गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द अल्फ्रेड वार्नर। हु इज अल्फ्रेड वार्नर? अल्फ्रेड वार्नर को बोला जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब अगर हम बात करें कि हाउ ही डिस्कस्ड अबाउट द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो इनिशियली उन्होंने दो कंपाउंड देखे जिनमें उन्हें देखने से ऐसा लगा कि ये कंपाउंड्स एक जैसे हैं, दोनों के दोनों डाइसॉल्ट्स हैं, और इस बेसिस पे उन्होंने अपने केमिकल रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करने की कोशिश की। ये दो कंपाउंड्स थे K4FeCl6 और K2Al2SO4. अब इन दो कंपाउंड्स को उन्होंने देखा तो उन्हें देखने में लगा कि दोनों कंपाउंड सेम है, इसके पास पोटेशियम आयन और आयरन आयन, यानी दो कैटायंस हैं और एक एनायन है जो कि एक्सेस में है, 6 साइनाइड। सिमिलरली यहां पे भी दो कैटायंस हैं, पोटेशियम एंड एल्युमिनियम, और एक एनायन एक्सेस में है, दैट इज द सल्फेट। तो इनिशियली देख के ऐसा लगा कि द फर्स्ट कंपाउंड इज पोटेशियम साइनाइड आयरन साइनाइड कॉम्बिनेशन and the second compound is potassium sulfate and aluminum sulfate combination. So, उन्होंने ऐसा सोचा कि ये दोनों के दोनों ही डाइसॉल्ट्स हैं। लेकिन ऐसा था नहीं। जब इन्होंने वाटर में डालकर डिसोसिएट किया, तो पहले जो ये दूसरा कंपाउंड है, ये डिसोसिएट होने के बाद दिया 2K+2Al3+4SO4-. यानी कंप्लीट डिसोसिएशन, दैट वाज एक्सपेक्टेड। हर एक डाइसॉल्ट कंप्लीट डिसोसिएशन देता ही है, क्योंकि वो पूरी के पूरी तरह से आयनिक नेचर का होता है, तो उसे कंप्लीट डिसोसिएशन देना ही चाहिए। लेकिन जब दूसरे कंपाउंड को देखा गया, देन दिस इज द 4K+FeCl6-4-. अब यहां पे ये दो कंपाउंड्स आपको देखने में यहां पे पता चल रहा होगा, ये कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, आयरन और साइनाइड डिसोसिएट होके अलग नहीं हुए। यानी दिस कंपाउंड इज शोइंग द पार्शियल डिसोसिएशन एंड दिस कंपाउंड इज शोइंग द कंप्लीट डिसोसिएशन। अब यहां पे इसके बेसिस पे वर्नर ने कहा कि दिस वन इज अ डाइसॉल्ट एंड दिस वन इज कॉम्प्लेक्स, जिसे मॉडर्न डे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। तो ये है आपका डाइसॉल्ट और ये है कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के बारे में इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी, दैट थ्योरी इज कॉल्ड द वर्नर्स थ्योरी। तो यहां पे वर्नर थ्योरी दी गई, वर्नर थ्योरी के बेसिस पे इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो क्या है वर्नर्स थ्योरी? वर्नर कहते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ लिंकेज इन द केस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एंड दीज टू टाइप ऑफ लिंकेज आर कॉल्ड द प्राइमरी लिंकेज एंड सेकेंडरी लिंकेज। ही आल्सो सेड दैट द प्राइमरी लिंकेज इज आयोनाइजेशन, प्राइमरी लिंकेज का आयोनाइजेशन हो जाता है एंड द सेकेंडरी लिंकेज इज नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी लिंकेज आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी लिंकेज आयोनाइजेबल नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही, द प्राइमरी लिंकेज इज सेटिस्फाइड बाय एनायन। इनिशियली तो सिर्फ एनायंस बोला गया था, लेकिन मॉडर्न डे में कहा जाता है एनायंस एंड कैटायंस। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी लिंकेज की, दे आर सेटिस्फाइड बाय आइदर एनायन और इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स स्पेसिस। तो यहां पे एनायन और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, और इस तरह से इन्होंने इन दो तरह के अलग अलग नेचर के बारे में बताया। उनके हिसाब से ये सिस्टम सेकेंडरी लिंकेज से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से इनका आयोनाइजेशन नहीं हुआ, और ये सिस्टम प्राइमरी लिंकेज से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से इनका आयोनाइजेशन हो गया। तो उन्होंने इस बात को कहा कि दो तरह के लिंकेज होते हैं,
पहले तरह का लिंकेज होता है प्राइमरी लिंकेज, दूसरी तरह का लिंकेज होता है सेकेंडरी लिंकेज, और ऐसा होने की वजह से आधे बॉन्ड्स आयनाइज हो जाते हैं, आधे नहीं हो पाते. सो अकॉर्डिंग टू हिम ओनली इट इज द प्राइमरी बॉन्ड्स व्हिच कैन बी डिसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ द आयन, द सेकेंडरी बॉन्ड्स आर नॉट कैपेबल टू डू सो बिकॉज द प्राइमरी लिंकेज इज एक्चुअली द आयोनिक बॉन्ड इन द मॉडर्न डे, दैट इज कॉल्ड द आयोनिक बॉन्ड. And the secondary linkage is called the coordination bond. तो primary linkage ionic bond है और secondary linkage coordination bond है. आप सबको मालूम है ionic bonds can easily be ionized. Coordination bond का ionization नहीं हो सकता. And because of the reason, the partial dissociation of the compound is taking place. The next type of the Werner's theory. He says that each of the compound have a very mixed, very much fixed oxidation number. हर एक कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, दैट इज नॉट गोइंग टू वेरी इन द सेम कंपाउंड. एंड ईच ऑफ द कंपाउंड हैव द फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, हर एक कंपाउंड का एक कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है, वो भी फिक्स होता है. ये दोनों ही चीजें हम आगे चल के फिर से डिस्कस करेंगे, इसलिए यहां पे इसे डिटेल में नहीं देख रहे. एंड द लास्ट टॉपिक, ईच ऑफ द कंपाउंड सर्वाइव इन अ स्पेसिफिक पॉलीहेड्रल शेप. लास्ट ईयर में आपने पढ़ा था विस्पर्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और वहां पे आपको मैंने बताया था कि हर एक कंपाउंड का एक फिक्स शेप होता है विच इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेरिक हिंडेंस और द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन इन द वैलेंस सेल, जिसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जाके हमने समझाया कि दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. तो इन्होंने भी कहा, वार्नर जी ने भी कहा कि ईच ऑफ दीज ऑफ द कंपाउंड्स हैव अ वेरी मच स्पेसिफिक पॉलीहेड्रल शेप. पॉलीहेड्रॉन्स आप जानते हैं, ये जो भी शेप होते हैं इन शेप्स को ही पॉलीहेड्रल शेप कहा जाता है. जैसे आप देखते हैं ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल, ये सारे के सारे जो शेप हैं इन्हें हम पॉलीहेड्रल शेप कहते हैं. हेड्रॉन्स मीन्स होता है इमेजिनरी सर्फेस. द कंपाउंड्स द शेप ऑफ द कंपाउंड विच हैव द मल्टीपल इमेजिनरी सर्फेसेस, जो भी स्ट्रक्चर हम समझते हैं हम कहते हैं पॉलीहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल. तो आठ हेड्रॉन्स आपको दिखाई थोड़ी देते हैं, आठ हेड्रॉन्स उसमें रियल में होते थोड़ी ना, जो उसकी इमेजिनरी स्ट्रक्चर है उसमें आठ हेड्रॉन्स हम मान लेते हैं, आठ सर्फेसेज हम मान के चलते हैं, उस तरह का ही उसका स्ट्रक्चर हम एज्यूम करते हैं. सो दिस वाज द वर्नर्स थ्योरी. अब यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कुछ की टर्म्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं जो जनरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही यूज होते हैं और दूसरे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में यूज नहीं होते, तो आपको इन की टर्म्स को भी देखना पड़ेगा. सो वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द की टर्म्स व्हिच इज यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ओके, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इनके रिस्पेक्ट में हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द की टर्म्स आर यूज्ड फॉर दीज ऑफ द स्पीशीज. देन फर्स्ट वन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी. अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो हम कह सकते हैं जो कुछ भी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये सब का सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी की कैटेगरी में आएगा. सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं द सेंट्रल एटम अलोंग विद ऑल दोज ऑफ द स्पीशीज व्हिच आर बाउंडेड विद द सेकेंडरी लिंकेज, दैट इज कॉल्ड द लिगेंड. द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. नाउ दिस वन, इसे हम कहते हैं काउंटर आयन. व्हाट एवर द चार्ज इज अपीयरिंग ऑन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी दैट विल बी काउंटर्ड बाय दिस आयन. जो भी चार्ज इस पे अपीयर करता है उसको ये काउंटर करता है. दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड द काउंटर आयन. द फर्स्ट मेंबर इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके अंदर जो पहला मेंबर है वो उसे हम कहते हैं सेंट्रल एटम. देन दिस इज द सेंट्रल एटम. और सेंट्रल एटम के अलावा जो कुछ भी यहां पे है उसे हम कहते हैं लिगेंड. ओके, सो दिस इज द काउंटर आयन, सेंट्रल एटम, लिगेंड. एंड द कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी. Clear? Now we are going to see the type of ligand. How many type of ligands are there on the basis of the number of valency, on the basis of the nature, and whatever it is.
तो यहां पे हम देखने जा रहे हैं द टाइप ऑफ लिगेट्स, इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। जब आप देखेंगे टाइप ऑफ लिगेट्स तो हम देखते हैं टाइप ऑफ लिगेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी टू मेक द बॉन्ड। तो पहला लिगेट है जिसे हम कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेट। क्या होते हैं मोनोडेंटेड लिगेट? द मोनोवेलेंट लिगेट्स, यू कैन सी दे आर मोनोवेलेंट, एक सिंगल वैलेंसी को शो करने की कैपेसिटी रखते हैं। नॉर्मली जितने भी आपके लिगेट्स होते हैं मैक्सिमम ऑफ द लिगेट्स मोनोवेलेंट की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीएल माइनस एच टू ओ अमोनिया एटसेट्रा, यहां सब की सब एक सिंगल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं और इस वजह से ये मोनोवेलेंट लिगेंट की कैटेगरी में आते हैं। द सेकंड वन दैट इज द डाई डेंटेड लिगेंट, द लिगेंट्स हैविंग डेंटिसिटी टू, वैसे डेंट का मतलब होता है दांत, हिंदी में इसे कहते हैं मोनोडेंटेड को एकल दंतक, इसे कहते हैं द्विदंतक, दंत मीन्स दांत होते हैं और यहाँ पे दंत मीन्स जो लिया जा रहा है वो वैलेंसी से लिया जा रहा है, ये डाई वैलेंट होते हैं। देन दे आर द डाई वैलेंट। आपके बुक में जनरली जो डाई वैलेंट स्पेसिस यूज किए गए हैं उसमें सिर्फ ऑक्सिलेट आयंस हैं और एथेन 1-2 डाई एमीन है, वैसे और भी होते हैं सल्फेट है और कार्बोनेट है, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। तो आप लिख सकते हैं सल्फेट दैट इज एसओ4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, ऑक्सिलेट C2O4 2 नेगेटिव एंड एथेन 1-2 डायमीन, इसे हम EN से शो कर देते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये है आपका एथेन और दो पोजीशन पे अमोनिया एमीन लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक खास चीज, जब हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करते हैं तो ये जनरली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, यहाँ पे ये सारे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनने वाला, यहाँ पे दो अलग अलग बॉन्ड बनने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर ये मेटल है तो एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, दो अलग अलग पोजिशन से बॉन्ड बनेंगे। अब इन पोजिशन को देखिए तो ये लगभग वैसे ही हैं, ये इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं। अगर ये मान लें कि मेटल है, ये मेरी उंगलियां जो हैं ये दो बॉन्ड्स हैं, ये इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं और ये उसी तरह से है जैसे क्रैब समझते हैं ना, केकड़ा, जैसे क्रैब अपने शिकार को पकड़ता है, अपने प्रे को पकड़ता है, सिर्फ वैसे यूं पकड़ रहे हैं। और ऐसे पकड़ने का मतलब ये, इसी को हम कहते हैं चिलेशन। इस वजह से, इस तरह से पकड़ने की वजह से, इस तरह से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी की वजह से डाइडेंटेड लिगेंड्स को हम चीलेट भी बोलते हैं। देन दे आर द चीलेट। ओके, देन द मोनोडेंटेड डाइडेंटेड, मोनोडेंटेड मींस मोनोवेलेंट, डाइडेंटेड मींस डाइवेलेंट। नाउ द पॉलीडेंटेड लिगेंड, श्योरली इसका भी वैलेंसी से अगर हम देंगे हम इसे बोलेंगे पॉलीवेलेंट। और इसका एग्जांपल सिर्फ एक ही दिया हुआ है, दैट इज द EDTA, पूरा नाम है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है और किस तरह से बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबिलिटी ये शो करता है। सो दिस इज एथिलीन डायमीन एंड टेट्रा एसीटेट CH2COO- CH2COO- एंड सो। अब यहां देखिए ये चार निगेटिव चार्जेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और दो लोन पेयर्स हैं, यानी टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, यहां पे ये EDTA टोटल 6 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज अ पॉलीडेंटेड लिगेंड। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ द EDTA, EDTA वैसे गम डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है, तो गम डिजीज का अगर ट्रीटमेंट करना है तो हम EDTA को यूज करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज द फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा द लिगेंड्स विच हैव द फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी, विच हैव द फ्लेक्सिबल वैलेंसी, विच कैन चेंज देयर वैलेंसी 1-2, 2-3, 3-4 और वॉट एवर इट इज। तो यहाँ पे जो अपनी वैलेंसी की में फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकें दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स।
और इसमें एग्जांपल क्या है, ऑल दी पॉलीनेट्स, ऑल दी पॉलीडेंट्स, यानी जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं सब इस कैटेगरी में आते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पे देखिए, एक ही तो हमने पॉलीडेंटेड लिगेंड आपको बढ़ाया है ADDA। अब इसमें देखें तो ये चार नेगेटिव चार्जेस हैं और दो लोन पेयर्स हैं, और इसके स्ट्रक्चर को देख के आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये छह के छह बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है, हो सकता है ये सिर्फ चार नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाए, या फिर हो सकता है सिर्फ ये दो लोन पेयर से बॉन्ड बनाए। तो ये कहां से बॉन्ड बनाता है उसके बेसिस पे पता चलेगा कि कितने बॉन्ड बना सकता है, तो चाहे तो दो बॉन्ड बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है, हो सकता है एक ही बॉन्ड बनाए। तो यहां पे जैसी कंडीशंस बनेंगी उसके हिसाब से अपनी बैलेंसी को ये चेंज कर सकते हैं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई द कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एज अ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। अब बचा द लास्ट वन, दैट इज द एम्बीडेंटेड लिगेंड। जब आपने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ा था तो वहां पे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल नाम से न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, और उसमें आपको आपके सर ने बताया था, मैंने बताया था, द लिगेंड विच हैव टू डोनर साइट दैट इज कॉल्ड द एम्बीडेंटेड लिगेंड। वहां पे न्यूक्लियोफाइल बताया गया था तो लिगेंड की जगह न्यूक्लियोफाइल बोल दिया गया था। द न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू डोनर साइट इज कॉल्ड द एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर दोज ऑफ द लिगेंड्स हैविंग टू डोनर साइट। यहां पे जिसके पास दो दो डोनर साइट हो लेकिन एट ए टाइम एक ही पे वर्क करे, अगर दो डोनर साइट को दोनों के दोनों बॉन्ड बना रहे हो तब तो वो डाइडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आ गया, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक से ही बॉन्ड बना रहा हो यानी कि वो एम्बीडेंटेड। फॉर एग्जांपल आपने देखा है साइनाइड CN माइनस, बॉन्ड कहां से बना रहा है, कार्बन से बना रहा है, यानी डोनर साइट क्या है, डोनर साइट इसका कार्बन है, ठीक है, इसे कहते हैं साइनाइड। इसका एम्बीडेंट देखें देन इट इज NC, यहां पे डोनर साइड कार्बन है और यहां पे डोनर साइड नाइट्रोजन है, दोनों में कार्बन एक नाइट्रोजन, दोनों सेम स्पीशीज हैं, सिर्फ डोनर साइड का डिफरेंस है, और इसे हम बोलते हैं आइसो साइनाइड। सिमिलरली दिस इज द SCN थायोसाइनाइड और इसका एम्बीडेंट होता है NCS, इसे बोलते हैं थायोसाइनाइड, क्योंकि ये सल्फर से बॉन्ड बना रहा है, डोनर साइड सल्फर है, और ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है इसलिए डोनर साइड नाइट्रोजन है, इसे बोलते हैं आइसो थायोसाइनाइड। नेक्स्ट एम्बीडेंट इन योर बुक इज NO2, इसे नाइट्राइड बोलते हैं और इसका एम्बीडेंट है ONO। आप देख सकते हैं यहां पे डोनर साइड नाइट्रोजन है और यहां पे डोनर साइड ऑक्सीजन है, यहां पे दो अलग अलग डोनर साइड्स फिर से आ गए, इसे बोलते हैं नाइट्राइड N, क्योंकि N से बॉन्ड बना रहा है इसलिए नाइट्राइड N बोलते हैं, और ये है नाइट्राइड O, ये है नाइट्राइड N और वो है नाइट्राइड O। So this is the ambidentate ligand. These are the different type of the ligand. You can note it down. The next term is the oxidation number. I think oxidation number term तो आप लोग well aware हैं. Oxidation number कैसे निकाला जाता है वो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। वैसे आप लोगों को class 11th में oxidation number निकालने के लिए बताया गया था, जहाँ पर कुछ elements के oxidation number आपको याद करने पड़ते थे। होप आपको याद होगा, इसलिए हम उस टॉपिक को यहाँ पे नहीं टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे किसका, स्योरली सेंट्रल एटम का, और सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना आपको आता है, स्क्वायर ब्रैकेट में पहला एलिमेंट हमेशा सेंट्रल एटम ही होता है, ओके ना। अब इसके लिए निकालना है तो सबसे पहले आपको पूरा स्पेसिज क्या है, पूरा स्पेसिज एक मालिक्यूल है और मालिक्यूल के लिए ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। नाउ इस पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो ये हो गया आपका +1 × 4। आयरन का निकालना है, मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x है,
प्लस एक्स, और साइनाइड 6 है और हर एक साइनाइड पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये हो गया -1 × 6, यानी +4 + x - 6 = 0 और x = +2। इसी तरह से इसके लिए निकालेंगे तो ये हो गया आपका कोबाल्ट का, मान लेते हैं x, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है तो इसका होगा 0, वाटर भी एक मॉलिक्यूल है तो इसका भी होगा 0, और क्लोरीन का हैलोजन है -1 होगा, एक्चुअली क्लोराइड आयन है, इस पे -1 चार्ज है। अब यहां पे अगर निकालेंगे तो हो गया आपका x + 0 + 0 - 3, x - 3 = 0, सो x = +3। सिमिलरली अगर हम लास्ट वन के लिए निकालें तो ये एथेन 1,2-diamine मॉलिक्यूल होता है, कोबाल्ट के लिए निकालना है इसको मान लेते हैं x, और 3 क्लोरीन का -1 के हिसाब से हो गया -3, सो आप देख सकते हैं दैट x - 3 = 0 एंड x = +3, क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, इस वजह से मैं ज्यादा डिटेल में गया नहीं हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर सिंप्लीफाइड वे में डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं द नंबर ऑफ सेकेंडरी लिंकेज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ सेकेंडरी लिंकेज इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सेकेंडरी लिंकेज कैसे पता चलेगा, यू नो वेल कि स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होते हैं ये प्राइमरी लिंकेज होते हैं, जो इसके अंदर होते हैं ये सेकेंडरी लिंकेज होते हैं। अगर इन्हीं कंपाउंड्स को लेके हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की कोशिश करें तो इसके केस में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहे हैं, टोटल 6 लिगेंड हैं और मोनोटेंटेड हैं, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। जबकि इसके लिए अगर आप देखें ये तो सेंट्रल एटम हो गया, 3 अमोनिया और 3 वाटर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 3 + 3, दैट इज 6 अगेन। और अगर इस लास्ट वाले कंपाउंड में देखें तो ये देखिए COEN थ्राइस, कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा, क्योंकि जब आपने EN देखा था यानी एथेन 1,2-diamine देखा था तो वहां पे आपने देखा था इट वाज अ डाइडेंटेड लिगेंड, और डाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से ये दो बॉन्ड बनाएगा, तो 3 EN कितने बनाएंगे, 3 एथेन 1,2-diamine कितने बनाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे, और 6 बॉन्ड बनाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा, बिकॉज़ वी हैव सेड द नंबर ऑफ सेकेंडरी लिंकेज इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर, सो एज द नंबर ऑफ सेकेंडरी लिंकेज इन दिस केस इज 6, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो 6। नेक्स्ट टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।